नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं ये पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स, जो कि वही हैवान है जिसने अपने स्वार्थ की खातिर अपने ही मालिक को मौत के घाट उतार दिया है। आपको बता दें कि दो दिन पूर्व सोडा व्यापारी दिनेश गुप्ता की उन्हीं की फैक्ट्री में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में गहनता से जांच की तो शक की सुई पर फैक्ट्री के पिछले 24 सालों से काम कर रहे जनक नाम के कर्मचारी पर टिकी। पुलिस ने उसे मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की और इस दौरान उसने अपना अपराध कबूल भी कर लिया। वहीं आरोपी जनक के अनुसार उसकी पत्नी ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी, जिसके इलाज के लिए उसे 40,000 रुपए की जरूरत थी। जब उसने अपने मालिक से पैसे मांगे तो उसने पैसे देने की बजाय उसे ही खरी खोटी सुना दी, जो कर्मचारी जनक से सहन नहीं हुई और गुस्से में मालिक के सर पर सरिया मारकर हत्या कर दी। फिर उनकी जेब में रखी चाबी को निकालकर तिजोरी में रखे 88,000 रुपए निकाल लिए। उसने इस हत्या को कर्मचारी जनक ने अपनी मजबूरी बताया है। सर, थाना गोविंद नगर पुलिस के द्वारा एक खुलासा किया गया सोडा व्यापारी हत्या, क्या मामला निकला है पूरा? ये 15/9/19 को थाना क्षेत्र गोविंद नगर में दिनेश गुप्ता की हत्या हुई थी, उन्हीं की फैक्ट्री में, सोडा फैक्ट्री में। तो उसका लगातार पुलिस की टीम बना करके अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। सारे एंगल से एक एक चीज़ देखी जा रही थी। लास्ट में पूछताछ के दौरान उनका जो नौकर था, 25 साल से उनकी फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसने ये बताया कि उसकी बीवी बीमार थी, करीब 40,000 रुपये की उसको ज़रूरत थी। उसने जब मालिक सोडा व्यापारी दिनेश गुप्ता जब फैक्ट्री आए तो उनसे उसने पैसे की मांग की, पैसा देने से उन्होंने मना कर दिया तथा उसके साथ बदतमीजी की। फिर इसके दिमाग में ये आया कि हम 25-30 साल से इनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं और इन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की और बदतमीजी और कर रहे हैं। इसके रिएक्शन में फिर इन्होंने जो जिसका नाम उसका जो नौकर है उनका जनक, उन्होंने इसको सरिया से मार करके इनकी हत्या कर दी। बरामद भी हुआ है इसको कुछ? हाँ, हत्या करने के बाद इनके लॉकर से जो लॉकर की चाबी दिनेश गुप्ता जो मृतक हैं इनके पॉकेट में थी, चाबी निकाल करके इनके लॉकर से खोल करके इसने 88,000 रुपये लगभग वहीं पे कहीं चुरा दिए थे फैक्ट्री में ही। जब पूछताछ से जब पता चला तो ले जा करके पुलिस टीम के साथ जा करके उस पैसे को बरामद भी करा दिया। तो इसके अलावा पीएम रिपोर्ट पर ये दिखाया गया था कि सर में कुल्हाड़ी जैसे नुमा कैसी कोई चीज सर पर मारी जिसके चलते मौत का कारण भी बन गई, तो ऐसी कुछ भी हथियार बरामद किया गया? सर पे सरिया से वार किया गया था। सरिया कुछ ऐसे ढंग की है जिसमें कुछ नुकीला सा निकला हुआ है, तो उसकी चोट से जो ना शार्प इंजरी सी लगती है, लेकिन मारा था इसने सरिया से, कुल्हाड़ी से चोट नहीं की थी। मारा था इसलिए बीवी का बीमार की पैसे मांग रहा था। उसने बोला तेरा बीवी और बच्चे मर जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं है, और शादी कर लेना। फिर मैंने क्या किया, जब दो तीन बार मांगा था तो मांगने के बाद मैं कह रहा यार तुम बोला नहीं मर जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा तो पैसा चाहिए था क्या? पैसे नहीं सर, पैसे में तो मैंने उसको मार के जब उसने मने कर दिया था जब मार के पैसे लिए थे मैंने। अच्छा, कितना पैसा लिया था? अब सर मैंने गिना नहीं। कहाँ रखा पैसा? पैसे उसका तिजोरी में रखा था। नहीं, तूने कहाँ रखा? मैंने अपनी वो जहाँ काम करता था वहीं छुपा के रखा था उनको। जो आपने लूट करी थी तो उन्होंने सोने की चेनी पहनी थी, चाबी भी उनके पास थी, चाबी नहीं मिली, सोने की चेन मिली, तो ऐसा कैसा रहा? नहीं, चाबी उसका जेब में था, सोने का चेन मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया जो मुझे उसका जरूरत नहीं थी। पैसे कहाँ लिए थे? पैसे मेरे बीवी के इलाज के लिए लिए थे मैंने। तो तुमने अपने मालिक की हत्या कर दी, तुम्हें शर्म नहीं? सर हम क्या मजबूरी है सर, मेरे जैसे और भी लेबर है वहाँ पे, 20-25 साल से काम कर रहे थे। हाँ, कितनी लेबर है ऐसे? ऐसे ही मेरे जैसे करीब 8-10 लेबर हो रहे हैं जो मालिक मारना चाह रही। हाँ, मेरा जैसा और भी शेर है, अगर ऐसे ही करता रहेंगे मालिक तो वो भी मार डालेंगे उसको। अच्छा, उसको भी मार डालेंगे? तूने सारे अपनी तरफ मिला लिए थे क्या? नहीं, तो फिर तुझे कैसे पता लगा कि वो ऐसी लेबर थी? उनका पास मजबूरी भी, ये भी यही मजबूरी है, जैसा मेरा मजबूरी है इसका उनका भी मजबूरी। तुम्हारा तनख्वाह तुमको देता था टाइम पर? टाइम पर तनख्वाह देता, वही तनख्वाह से काम नहीं चलता था हमारा। कितनी तनख्वाह देता था वो? तनख्वाह दे आप 350 रुपये रेट है, 20 रुपये रोज से लगा हूँ काम पे। 20 रुपये रोज पे लगा था? लगा। अब कितने मिलते थे? 350 रुपये, 350 रोजाना। बस पीता है? नहीं। तुम्हारा झगड़ा हुआ था? नहीं, कोई झगड़ा नहीं। शराब के लिए पैसे नहीं मांगा तुमने? तो फिर शराब की बोतल कहाँ से आई? शराब की बोतल तो मालिक नहीं, उसको मेरा क्वार्टर में रखा है।
मारने के बाद मालिक ने जब मालिक को तुमने मार दिया उसके बाद मालिक मरने के बाद शराब की बोतल रखने तुम्हारे क्वार्टर में उनके कोई भी उसका लड़का गया था वो भी मेरा इल्जाम लगाने के लिए से वो क्वार्टर रखा था तो इल्जाम तो तुम्हारे ऊपर है ही कि तुमने मारा है फिर क्यों इल्जाम लगाने के लिए उसने शराब की बोतल और पैसा रखा उसने शराब मैं शराब नहीं पीता था इसलिए शराब का इल्जाम लगाया था पहले दिन भी पुलिस ने कहा था कि तुम सब लोग शराब पिए तुमने पी हरप्रसाद ने पी महेश ने पी नहीं महेश ने महेश पीता है हरप्रसाद पीता है मैं नहीं पीता हूँ शराब तो कल तुम्हारे हाथ में जो क्वार्टर था उसे तुम कहाँ से लेके आए थे वो मेरा क्वार्टर में रख दिया था किसी ने रख दिया था तुम्हारे क्वार्टर में अच्छा। और जब तुमने वहाँ कहा था अंदर के पुलिस वालों ने दिया है वो मगर उन्होंने कहा था जब क्वार्टर में मिला तो भाई इसको 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 भी ले चल जब तू यहाँ पे मिला है तो इसलिए उसको भी लेना पड़ा नहीं तुझे प्रति को चढ़ा देंगे तुझे बता दे कैसे मारा तुमने सरिया से मारा सरिया से कुल्हाड़ी भी तुम्हारे पास थी कुल्हाड़ी से नहीं मारा नहीं थी तुम्हारे पास हाँ कुल्हाड़ी थी मारने का प्लान था मारने का प्लान नहीं था मेरा अगर वो पैसे मुझे राजी से देते तब मांग तो मैं नहीं मारता उसको नहीं तो कुल्हाड़ी तुमने काफी दिन पहले नजर कर रखी थी वो बांस फाड़ने के लिए रखा था मैंने पिछले रविवार को तुम उसकी हत्या करना चाह रहे थे लेकिन तुम्हें वो मौका नहीं मिल पाया नहीं नहीं अब उस कोई मौका नहीं था मेरा मेरा जब उसने बीवी और बच्चे को गाली दे दिया मर जाए तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है यही मुझे गुस्सा आ गया JBD Banquets lie hai incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden world class catering centrally air conditioned lush green lawns state of the art lighting a perfect venue for wedding launching and parties Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like share and subscribe kare धन्यवाद।